बनाया जाएगा। जो लोग ये कहते थे कि यहाँ 370 खत्म हो गए, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उनको ये जवाब है कि डोडा की दूर दराज पहाड़ियों में भी आज देशभक्त लोगों ने तिरंगा निकाली हुई है। तिरंगा रैली जहां पर हो रही है, वहीं पर फारूक अब्दुल्ला भी अपनी एक पॉलिटिकल रैली जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के डाक बंगलों में कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जिस तरीके से तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की थी, आज वो कवरेज भी आपने देखी TLR न्यूज़ के ऊपर, और उसके बाद जो है खलैनी के अंदर भी एक तिरंगा रैली का जो है आयोजन किया गया था, और वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP डोडा की तरफ से जो है वो आयोजन हुआ था। आप देख सकते हैं कि भारत माता की जय के नारे जो है वो कहीं ना कहीं रैली में लग रहे हैं, और साथ ही में नेशनल फ्लैग के साथ सभी लोग जो है इस तिरंगा रैली में है। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है जितने भी युवा है वो इस रैली के अंदर बने हुए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। देख सकते हैं कि शक्ति परिहार जी जो फॉर्मर MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इस तिरंगा रैली को लीड कर रहे हैं, तो इनके साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर TLR न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस रैली को कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि तिरंगा रैलीज हो, हर घर तिरंगा अभियान को लिया हुआ है, पार्टी ने भी उस अभियान को लिया है, लेकिन जो रैली आज तिरंगा रैली आप देख रहे हैं ये एक पार्टी की नहीं, इसमें सारे लोग इकट्ठे मिलके आज इस रैली को यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैं अपनी ओर से भी इन सब लोगों को मुबारकबाद शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आने वाला 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, योम आज़ादी है, उसको और बड़े जश्न से यहाँ मनाया जाएगा। जो लोग ये कहते थे कि यहाँ 370 खत्म हो गए, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उनको ये जवाब है कि डोडा की दूर दराज पहाड़ियों में भी आज देशभक्त लोगों ने तिरंगा की निकाली हुई है। सर, आज एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने भी जो है तिरंगा रैली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे की, क्या कहेंगे उसको? ये तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक जात का नहीं, ये हर हिंदुस्तानी का है, और हमें गर्व होता है कि हम ऐसे देश में हैं, तिरंगा हमारा है। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, सिविल सोसाइटीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, इस तरीके के कार्यक्रम करने से लोगों के बीच में एक देशभक्ति का जो जज्बा आता है वो हमको सबको मिलकर करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स की जब बात होगी तो वो एक अलग बात रहती है। लेकिन उसी जगह पर अगर आज तिरंगा रैली जहां पर हो रही है, वहीं पर फारूक अब्दुल्ला भी अपनी एक पॉलिटिकल रैली जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के डाक बंगलों में कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बाकी भी मुझे मीडिया के साथ ही बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा कि इस वक्त तिरंगा रैली है, कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा स्टेटमेंट हम दें, उसके लिए अलग से आपसे बात चाहिए था कि आज जो है तिरंगा रैली करें वो पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप उनको पूछें तो बेहतर वो बता सकते हैं, आज कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, केवल तिरंगा रैली होगी, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। चलिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन से जो है बच रहे हैं, लेकिन तिरंगा को लेकर क्या कुछ कहा, तिरंगा रैली को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाएगा, उसको लेकर जो है तैयारियां पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो रही है, और तिरंगा रैली अलग अलग लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें, तो उन्होंने भी जो है तिरंगा रैली निकाली, और यहाँ पर अगर बात करें खलैनी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसे लीड जिस तिरंगा रैली को की,
सत्यराज परिहार जी ने, क्योंकि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे, फॉर्मर MLA भी रहे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जय हिंद लिखना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ना भूलिएगा, क्योंकि आज 15 अगस्त की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं हो रही हैं, और 15 अगस्त के दिन आप जो है 15 अगस्त के दिन किस तरीके से जो है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की झलकियाँ भी आप देखेंगे और दिखाएंगे आपको। तब तक आप बने रहे, सुरेंद्र परिहार को दीजिए फिलहाल इजाज़त। जय हिंद।